आप देख रहे हैं दखल न्यूज। इंडिया फिर मून मिशन पर, चंद्रयान 3 इस साल चांद के सफर पर होगा रवाना। दिल्ली हिंसा पर बीजेपी का आरोप, हिंसा के लिए आप और कांग्रेस जिम्मेदार। मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर, जीएसटी कलेक्शन 1,00,000 करोड़ के पार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, प्रज्ञा को नहीं मानता साथी, प्रज्ञा तो मुंह खोलते ही जहर उगलती। और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, ग्वालियर में बाजार में नहीं मिल रहे हीटर, लोग परेशान। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। इसरो चीफ के सिवन ने पुष्टि कर दी है कि चंद्रयान 3 को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है और इस पर काम जारी है। चंद्रयान 3 इसी साल चांद के सफर पर रवाना होगा। 2019 में चांद के लिए छलांग लगाने वाला भारत भले ही विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग नहीं करवा पाया हो, लेकिन इस साल इसरो फिर यही कोशिश करने वाला है। इसकी पुष्टि खुद इसरो चीफ के सिवन ने की है। भारत 2020 में चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस पर चंद्रयान 2 से कम लागत आएगी। उन्होंने कहा, चंद्रयान 2 को विफल कहना सही नहीं है, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने का भारत का यह पहला प्रयास था। इसरो चीफ के सिवन ने नए साल के पहले ही दिन मीडिया से बात करते हुए इस मिशन की पुष्टि की है और कहा है कि चंद्रयान 3 पर इसरो काम कर रहा है। हमने चंद्रयान 2 में अच्छी प्रगति दिखाई, भले ही हम चांद की सतह पर सफलतापूर्वक नहीं उतर पाए, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है और अगले 7 साल तक यह काम करता रहेगा, जिससे कई तरह का डेटा मिलेगा। इसरो चीफ ने यह भी बताया कि सेकंड स्पेस पोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हो चुका है और यह तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में स्थित होगा। After a long time, I thought that it is my duty to meet you on the first day itself. At least our aim is to tell you what really we have achieved in 2019 and what we are targeting for 2020. That is our aim. And if you are seeing that 2019, our strategy mainly was to expansion program. We wanted to expand the ISRO horizontally. That is first strategy we adopted. And the second strategy we adopted in 2019 was the capacity building and outreach program. These are the second target we aimed for 2019. And the third one is, that is that reduction of the physical work in the ISRO and how to make industry to get into the loop. That is the third part. Fourth part is mainly the development and conventional launches and other things. There's new developments. That is the fourth part. सीए पर दिल्ली में हुई हिंसा के लिए बीजेपी ने आप और कांग्रेस को दोषी ठहराया है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के आसिफ खान और आपके अमानतुल्ला में लोगों को उकसाया। इस आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, आप बीजेपी लोगों को गुमराह करना बंद करें। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में हिंसा के लिए कांग्रेस और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली जैसे शांतिपूर्ण शहर में जो हिंसा हुई, उसके लिए सत्तारूढ़
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिम्मेदार है क्योंकि ये लोग झूठी जानकारी फैला रहे हैं और हिंसा पर चुप हैं। जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग हिंसा के लिए उकसाने का काम करते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि दिल्ली के जामिया में कांग्रेस के आसिफ खान और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने जनता को उकसाया है। दिल्ली के सीलमपुर में कांग्रेस के तमीन अहमद और आम आदमी पार्टी के इशराक खान मौजूद थे। जामा मस्जिद में कांग्रेस के महमूद पारचा मौजूद थे। इस हिंसा की वजह से हुए नुकसान के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में तीन जगह हिंसा की वारदातें हुई, जामिया, सीलमपुर और जामा मस्जिद। इसके आसपास जो भी घटनाएं हुई वो हम सबने देखी है। जामिया के यहाँ कांग्रेस के आसिफ खान और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला, ये दोनों का रोल, उन पर आरोप है कि उन्होंने जनता को उकसाया। सीलमपुर में कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद और आम आदमी पार्टी के इशराक खान और काउंसिलर अब्दुल रहमान, जामा मस्जिद के यहाँ कांग्रेस के महमूद पराचा, या तो उन पर FIR है या तो उन पर आरोप है, उनकी जांच चल रही है वहां के। दिल्ली जैसे शांत शहर में नागरिकता कानून पर जानबूझकर माइनॉरिटी के मन में संभ्रम पैदा करके जो अशांति का माहौल तैयार किया और जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ, उसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। उनको दिल्ली के जनता की माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता JP अग्रवाल ने बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं पर आगजनी का आरोप लगाने वाले पहले ये बताएं कि बीजेपी के कितने नेताओं के खिलाफ रेप के मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली हिंसा मामले में बीजेपी के पास जांच का अधिकार है। बीजेपी को जांच कराने से मना कौन कर रहा है? अग्रवाल ने कहा कि अब बीजेपी को लोगों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तमाम नकारात्मक खबरों के बीच मोदी सरकार के लिए राहत भरी खबर आई है। GST कलेक्शन लगातार दूसरे महीने 1,00,000 करोड़ के पार पहुंचा है। दिसंबर महीने में GST कलेक्शन 1,03,184 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले नवंबर में GST कलेक्शन कुल 1,03,492 करोड़ रुपए रहा था। वहीं अक्टूबर महीने में GST कलेक्शन 95,380 करोड़ रुपए और सितंबर में 91,916 करोड़ रुपए था। तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह साफ होता है कि GST कलेक्शन में कुल 16% बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि सालाना हिसाब से हुई है। अरुणाचल प्रदेश के GST कलेक्शन में 124% ज्यादा आया है। दरअसल सितंबर में GST कलेक्शन में 2.7% गिरावट आई थी, वहीं 5.3% अक्टूबर में गिरावट आई थी। केंद्रीय स्तर पर नवंबर में कुल GST कलेक्शन 19,592 करोड़ रहा। राज्य स्तर पर 27,144 करोड़ GST रहा। वहीं 49,028 करोड़ इंटीग्रेटेड GST रहा। इसमें 20,948 करोड़ इंपोर्ट का भी हिस्सा शामिल है। इसके साथ ही कुल 7,727 करोड़ का उपकर भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को साध्वी नहीं मानता क्योंकि साधु संतों की वाणी में संयम और मिठास होता है, लेकिन वह तो मुंह खोलते ही जहर उगलती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ ही उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ और उमा भारती पर भी गेरुआ वस्त्र धारण करने को लेकर
जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि यह लोग गेरुआ वस्त्र धारण कर अभी भी मोह माया में फंसे हुए हैं। ऐसे लोग साधु साध्वी कैसे हो सकते हैं। पिछले दिनों प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक यात्रा के दौरान फ्लाइट में सीट को लेकर एक अन्य यात्री के साथ उलझती हुई नजर आई थी। उन्होंने कहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को साध्वी नहीं मानता क्योंकि साधु संत की वाणी में संयम और मिठास होती है, लेकिन वह तो मुंह खोलते ही जहर उगलती है। उमा भारती हो चाहे प्रज्ञा ठाकुर, वो किस प्रकार से जुबान खोलती है तो जहर उगलती है। सीएम भूपेश ने राज्य के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नए साल में राज्य सरकार ने कुछ नए संकल्प लिए हैं। हम प्रयासरत हैं कि कुछ ऐसा करें ताकि छत्तीसगढ़ भारत के मानचित्र पर सर्वोपरि रहे। उन्होंने गुजरे हुए साल को छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धियों भरा बताया और अपने एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। रायपुर में महापौर बनाने के भाजपा के दावे को उन्होंने खोखला बताते हुए कहा कि भाजपा हमारे संगठन में फूट की अफवाह फैला रही है। उनका दावा पूरी तरह खोखला है। मध्य प्रदेश में तेज ठंड के साथ अब कई इलाकों में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। प्रदेश के दतिया में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री और टीकमगढ़ में 2.2 डिग्री हुआ है। वहीं ग्वालियर और नौगांव में पारा 3 डिग्री दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य शहरों में भोपाल में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री, इंदौर में 12.4 डिग्री और जबलपुर में 8.6 डिग्री दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहा। शहडोल और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। शहडोल उमरिया रोड और शहडोल रीवा रोड पर वाहन चलाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर शहर में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने बेजुबान पक्षियों की जान ले ली है। विजयनगर में 10-12 पक्षी सड़क पर पड़े मिले। ये नीम के पेड़ के ऊपर बैठे थे और ठंड के कारण एक एक कर नीचे गिरने लगे। इन्हें प्रवासी पक्षी बताया जा रहा है। शिवपुरी में पारा 7 डिग्री, दतिया में 1.4, श्योपुर में 4.6, टीकमगढ़ में 2.2, ग्वालियर और नौगांव में 3, खजुराहो में 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। बालाघाट इंदौर सहित कई जगह बारिश हुई। अगले दो दिनों में भोपाल रायसेन राजगढ़ विदिशा सीहोर धार इंदौर खंडवा देवास आगरमालवा मंदसौर नीमच रतलाम शाजापुर उज्जैन अशोकनगर गुना शिवपुरी दतिया भिंड ग्वालियर मुरैना श्योपुर उमरिया अनूपपुर शहडोल छिंदवाड़ा व जबलपुर सतना सीधी सिंगरौली सागर में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। ग्वालियर में तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है और सर्दी ने पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस भीषण सर्दी से बचने के लिए जब लोग बाजार में हीटर खरीदने के लिए पहुंचे तो बाजार में हीटर ही उपलब्ध नहीं थे। जब बाजार में तहकीकात की गई तो पता चला कि पूरे ग्वालियर जिले में ही रूम हीटर का टोटा पड़ गया है और लोग इस बात के लिए परेशान है कि सर्दी से आखिर निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जाए। मजबूरी में दुकानदारों ने दुकान पर नोटिस चस्पा कर रखे हैं कि जिन पर साफ साफ लिखा है कि कृपया हीटर मांगकर शर्मिंदा ना करें। ग्वालियर में इन दिनों सर्दी का प्रकोप चरम पर है। सर्दी में 2.5 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में घरों में बच्चों और परिवारों को सर्दी से बचाने का एकमात्र साधन होता है रूम हीटर। लेकिन ग्वालियर के बाजारों से इन दिनों रूम हीटर पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। तमाम दुकानों पर तलाशने के बाद भी रूम हीटर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने एडवांस में कंपनियों को भुगतान कर रखा है, लेकिन कंपनियां रूम हीटर की पूर्ति नहीं कर पा रही हैं। दुकानदार तो यहां तक भी कहते हैं कि जैसे सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, वैसे ही रूम हीटर की शॉर्टेज का पिछले 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है। रूम हीटर ना मिलने की वजह है, पूर्ति से अधिक मांग होने की वजह से, उत्पादन मतलब शॉर्टेज होने की वजह से, ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से, पिछले सालों की अपेक्षा पिछले 8 साल पहले भी इस तरीके की समस्याएं आई थी कि ठंड ज़्यादा होने की वजह से माल की डिमांड ज़्यादा हुई और पीछे से माल की प्राप्ति नहीं हो पानी। इस वजह से इस साल ही ठंड के माहौल की वजह से डिमांड ज़्यादा हो रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। रूम हीटर की तलाश में ग्राहक भी एक दुकान से दूसरी दुकान पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी जगह एक ही जवाब मिल रहा है कि रूम हीटर उपलब्ध नहीं है। इस बीच दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर नोटिस चस्पा कर रखे हैं, जिस पर लिख दिया गया है कि कृपया हीटर मांगकर शर्मिंदा ना करें, जबकि ग्राहक हैं कि हर रोज
बल्कि पिछले 7 दिन से रूम हीटर की तलाश में पहुंच रहे हैं, लेकिन दुकानदारों से ना का जवाब मिलने के कारण वे दुकानदारों से निराश होकर लौट रहे हैं। वो सर्दी की वजह से, मौसम की वजह से हीटरों की शॉर्टेज बहुत ज्यादा चल रही है। हम 10-12 दिन से बराबर लगातार आ रहे हैं, हीटर मिल ही नहीं रहे हैं। कल भी शाम को आए थे, अभी भी देखो खड़े हैं। अब वो कह रहे आ रहे हैं, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। पर डे का 200-300 सप्लाई हो रहे हैं उनके, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। मैं रूम हीटर लेने आया था यहाँ पे, और रूम हीटर मुझे यहाँ मिला नहीं है। यहाँ लिखा है रूम हीटर मांग के घर पे शर्मिंदा ना करें। ग्वालियर में बहुत ठंड है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ी है, इसका कोई जवाब नहीं है। ग्वालियर में सर्दी के सितम की बात की जाए तो ये सितम अभी खत्म होने वाला नहीं है। मौसम की मार से लोग परेशान हैं और मौसम विभाग भी खुद इस बात का ऐलान कर रहा है कि नए साल पर ठंड और कोहरे के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सर्दी से निजात दिलाने वाले सबसे आसान उपाय रूम हीटर की कमी परेशानी का कारण बनी हुई है, जो कि बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं सबको परेशान किए हुए है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक दुख भरी खबर, 5 समूह के MD पुनीत अग्रवाल व उनके परिवार का नया साल का जश्न मातम में बदल गया। वे जश्न मनाने अपने पाताल पानी स्थित फार्म हाउस में पहुंचे थे। परिवार के 8 लोग लिफ्ट में छत पर प्रकृति के नजारे देखने गए थे। पुनीत अग्रवाल का बेटा छत पर ही रुक गया था, बाकी के 7 लोग लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे कि लिफ्ट पलट गई और 6 लोग मौत के आगोश में सो गए, जबकि परिवार की एक महिला गंभीर बताई जा रही है। किसे पता था कि हंसता खेलता परिवार अचानक से खत्म हो जाएगा। मौका नए साल की पार्टी का था, पूरा परिवार एक साथ था, सभी बेहद खुश थे, मेहमान आ जा रहे थे। ये पार्टी पाताल पानी स्थित फार्म हाउस में रखी गई थी, जिसमें 5 समूह के MD पुनीत अग्रवाल पूरे परिवार के साथ थे। फार्म हाउस में 5 मंजिला इमारत है, जिसमें निर्माण का कार्य भी चल रहा है। इस इमारत पर सामान उतारने चढ़ाने का काम जिस लिफ्ट से किया जाता है, उसमें तकनीकी खराबी भी बताई जा रही है, और इसी लिफ्ट का इस्तेमाल करना 5 समूह के MD पुनीत अग्रवाल व उनके परिवार के 6 लोगों को महंगा पड़ गया। यह लिफ्ट पूरे परिवार के लिए काल साबित हुई। लिफ्ट में तकनीकी खामी थी, खामी के बावजूद पुनीत ने परिवार सहित इतना बड़ा जोखिम उठाया, जिससे 6 जिंदगियां चली गईं। इस फार्म हाउस में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार सलीम ने बताया कि लिफ्ट केवल सामान चढ़ाने में तौल कांटे की तरह काम में आती है। कभी कभी 1-2 कर्मचारी इसमें बैठ जाते थे। कुछ दिन से लिफ्ट रुक रुक कर चल रही थी, लेकिन इसका तार खींचने पर यह झटके के साथ फिर चल पड़ती थी। 31 दिसंबर की शाम नए साल का जश्न मनाने के लिए पुनीत अपने परिवार के साथ यहाँ आए तो उत्साह से लबरेज थे। लिफ्ट में चढ़कर 8 लोग ऊपर की मंजिल तक पहुंचे थे। जब यह लिफ्ट नीचे आ रही थी, तब पुनीत सहित परिवार के 7 लोग ही थे। पुनीत का बेटा ऊपर रुक गया था, जबकि पत्नी मेहमानों का स्वागत नीचे दरवाजे पर खड़े होकर कर रही थी। तकनीकी खामी के कारण उस समय भी लिफ्ट बीच में रुकी और तार खींचने पर झटके से चलने के बजाय पलट कर टूट गई। इससे लिफ्ट में सवार सभी लोग सिर के बल फर्श पर एक के ऊपर एक नीचे गिरे। ये हादसा पुनीत की पत्नी और बेटे की आंखों के सामने हुआ। आपको बता दें कि 5 समूह के MD पुनीत अग्रवाल का नाम देश के बड़े कॉन्ट्रैक्टरों में गिना जाता है। इनका समूह पुल व सड़क बनाने और हाईवे पर टोल प्लाजा चलाने के लिए देश भर में मशहूर है। अग्रवाल PP मॉडल की शुरुआत करने वाले देश के चुनिंदा ठेकेदारों में से एक थे। इंदौर में 2004 में सिंहस्थ के दौरान उन्होंने MR-10 को PPP मॉडल पर तैयार किया था, रेलवे ओवरब्रिज भी बनाया था। कंपनी के मालिक पुनीत खुद इतने बड़े इंजीनियर थे। अग्रवाल ने अपने बनाए पुलों और सड़कों में भी तकनीकी और सुरक्षा का ध्यान रखा था, लेकिन अपने आलिशान फार्म हाउस की इमारत में वे शायद कहीं चूक कर गए। इस हादसे में
खुद पांच समूह के एमडी पुनीत अग्रवाल, उनकी बेटी दामाद, नाती, दामाद के जीजा व उनका बेटा जिंदगी से हार गया, जबकि दामाद की बहन अभी गंभीर हालत में है। एक टावर बना हुआ है, उसमें लिफ्ट लगी हुई, लिफ्ट दीवार के सहारे सामान वगैरह ढोने के लिए ऊपर ले जाई जाती है। वो लिफ्ट में ये परिवार सहित बैठे हुए थे, वो लिफ्ट ऊपर जाने के बाद में पलटी है और उससे ये कैजुअल्टी हुई है। टीम अपना निरीक्षण कर रही है और एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, जो मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह हमने PWD के इंजीनियर को बुलाया है, वो कर रहे हैं अपनी जांच, वो अपना ओपिनियन देंगे, उसके बाद ही जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। कहते हैं गरीब का कोई ठिकाना नहीं होता, पिछले 40 साल कंपनी में मजदूरी करने के बाद अब उनको उन्हीं की कंपनी बेघर कर रही है। ये मजदूर कंपनी की खाली पड़ी जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, लेकिन अचानक जगह खाली करने का नोटिस पड़कर इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक तो कड़ाके की ठंड और दूसरा बच्चों की परीक्षा का समय नजदीक है, ऐसे में ये गरीब मजदूर कहां जाए। सिंगरौली में NCL प्रोजेक्ट जयंत व दुधीचुआ ने वार्ड 17 में बसे हुए मजदूर और NCL जयंत निगाही दुधीचुआ सहित कंपनियों में मजदूरी का काम करने वाले लोगों को एक सप्ताह के भीतर घर खाली करने का नोटिस थमा दिया है। ये मजदूर पिछले 40 सालों से यहां बसे हुए हैं। इन रहवासियों के बच्चों की परीक्षा का समय नजदीक है, अब ये गरीब डरे सहमे हैं। झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब NCL के कई प्रोजेक्टों में प्राइवेट काम करते हैं, ऐसे में सभी लोग मंडल अध्यक्ष व पार्षद जयंत देवेश पांडे, विधायक सिंगरौली राम लल्लू वैश्य के साथ जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्या बताने पहुंचे। लोगों ने बताया कि हम लोगों को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड झुग्गी झोपड़ी खाली कराने की धमकी देता है। कलेक्टर ने कहा कि जो गरीब झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं उनसे खाली नहीं कराया जाएगा, खाली कराने की धमकी देने वाले सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ FIR होगी। समस्या ये है कि अगर गरीबों से घर खाली कराया जाएगा तो करीब 1000 लोग बेघर हो जाएंगे और इस कड़ाके की ठंड में कहां जाएंगे। साथ ही लोगों ने यह आपत्ति भी जताई कि बड़े बड़े भूमाफियाओं ने कब्जा करके अपने अपने महल बना लिए हैं, उनको NCL नहीं खाली करवा रहा, अब हम गरीबों के ऊपर घर खाली कराने के लिए जोर जबरदस्ती की जा रही है। NCL प्रबंधन द्वारा चाहे वह जैन परियोजना हो चाहे दुधीचुआ परियोजना हो, इस समय उनको नोटिस दे करके खाली कराने के लिए उनके झोपड़ झोपड़ी जहाँ बनी है इस तरह का नोटिस दिया गया था। उसके नोटिस के लिए यहाँ पर हमारे कॉलोनी वासी लोग विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग के साथ में GM हमारे दुधीचुआ और GM जैन से इससे पहले बात भी हो गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग जो है तो ऊपर से हमारे ये इस तरह का है आदेश, इसलिए नोटिस गई हुई है, लेकिन प्रशासन स्तर पर ही कोई बात हो सकती है। तो आज सभी लोग, हम लोग विधायक जी भी हमारे थे, हम लोग सब लोग पूरे उस कॉलोनी के जो झोपड़पट्टी के लोग हैं यहाँ पर आए हुए थे। सकारात्मक रूप में बात हुई है कलेक्टर साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई बस्ती नहीं हटेगी। हम लोगों ने उनसे बैठ करके बात की है साथ में और उन्होंने कहा NCL प्रबंधन से भी बात करेंगे और आगे चल के जैसे प्रधानमंत्री आवास के तहत वहीं पर उनसे जमीन अगर व्यवस्था होती है उनको स्थायी मकान भी देने का काम करेंगे। हम लोगों को नोटिस दिया गया है, आप बताइए हम लोग यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, आप बताइए हम छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए लेके हम कहाँ जाएं, हमारा कोई न घर है न द्वार है, हम लोग यहीं से रह रहे हैं। हम लोगों को बताइए यही नोटिस दिया गया है और इसी हम प्रस्तुति देके अपने कलेक्टर के पास आए हैं कि हमारा कलेक्टर भाई न्याय करे, और नहीं आगे होगा तो भाई हम आगे हम लोग बढ़ेंगे। संत हिरदाराम नगर में हरि सेवा धाम के 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन किया गया। इस समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज महाराज ने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया और इसे देश हित में उठाया गया कदम बताया। संत हिरदाराम नगर में हरि सेवा उदासीन आश्रम भीलवाड़ा का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव संपन्न किया गया। वार्षिक महोत्सव में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन का जन्मोत्सव भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस महोत्सव के अंतिम दिवस पर भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कर मंत्रोच्चार के साथ हवन कर पूर्ण आहुति दी गई।
उसके बाद सभी लोगों ने संत हिरदाराम जी की कुटिया पर जाकर नमन किया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन ने कहा कि स्वामी हिरदाराम जी महासंत व सादगी की मिसाल थे। उन्होंने सेवा स्मरण के रास्ते पर चलने का संदेश दिया। स्वामी जी ने नागरिकता बिल को लेकर कहा कि पीएम मोदी एवं अमित शाह ने यह सही कदम उठाया है, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। उनकी बहु बेटियों के साथ जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। हम सबको मिलकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए। बैरागढ़ की साथ संगत, भोपाल की संगत ने देसी पटखु यहाँ पे आए और सबकी तन मन से और भजन भंडारे की खूब सेवा की। ये इसलिए की कि समाज में संस्कृति, अपना सिंधियत, सनातन और अपने धर्म की रक्षा के लिए जगह जगह सत्पुरुषों को बुलाकर, पूरे देव भूमि भारत से संतों को बुलाकर उनकी सेवा और सत्संग की, इससे समाज में चेतना आती है, मानव मात्र को उद्धार होता है, इसलिए ये उन्होंने ये आयोजन रखा। कार्यक्रम में गोविंदपुरा की विधायक कृष्णा गौर भी दर्शन करने पहुंची और सभी संतों का आशीर्वाद लिया। संतों ने रात्रि में आयोजित सत्संग में उपस्थित श्रद्धालुओं को अपने प्रवचन से मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़ा खुशी मन यह कहते हुए कि महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन जी का उत्सव जन्मोत्सव संत हिरदाराम जी की नगरी में मनाया जा रहा है, उसमें उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। संत परंपरा के बड़े देश शिरोमणि जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कन्या महाविद्यालय में नवनिर्मित छात्रावास भवन व ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री ने छात्रों से भी संवाद किया, साथ ही एक और कन्या महाविद्यालय बनाने की बात भी कही। मध्य प्रदेश शासन के खेल एवं युवा कल्याण तथा उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने स्थानीय शासकीय कन्या महाविद्यालय में 150 सीटेड ऑडिटोरियम व कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया। इसके बाद युवा संवाद कार्यक्रम में छात्राओं से संवाद किया, जिसमें छात्राओं एवं प्राचार्य ने अपनी अपनी समस्याएं सुनाते हुए कहा कि महाविद्यालय में प्रोफेसरों के पदों को भरने एवं अन्य कन्या विद्यालय बनाए जाने की जरूरत है। वहीं मंत्री जीतू पटवारी द्वारा कलेक्टर को जल्द जमीन ढूंढने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भूमि पूजन कराने की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी पुराने साल को अलविदा कहकर ठीक रात 12 बजे नए साल का स्वागत धूमधाम से किया गया। पर्यटन नगरी खजुराहो में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। नए साल के आगाज में होटलों को दुल्हन की तरह सजाया गया और पर्यटकों के लिए नए साल 2020 की पार्टी के विशेष इंतजाम किए गए। पर्यटन नगरी खजुराहो में नए साल के स्वागत में देशी विदेशी पर्यटक रात भर होटलों और रेस्टोरेंट में जश्न मनाते नजर आए। होटलों में नए साल 2020 का आगाज करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। लोग रात में होटलों में लजीज खाने के साथ डीजे की धुन पर थिरकते रहे और जैसे ही रात 12 बजे सभी ने नए साल का स्वागत धूमधाम से किया। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मैं भारतीय हूं आई सपोर्ट CAA कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में बताया गया और CAA का समर्थन करने की अपील की गई। सिंगरौली में ABVP द्वारा कन्या महाविद्यालय सहित कई स्कूलों में मैं भारतीय हूँ सपोर्ट CAA कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं ने भारत का मानचित्र बनाकर यह प्रदर्शित किया कि नागरिकता संशोधन कानून से देश में निवास करने वाले किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से इसका कोई संबंध नहीं है। यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से पीड़ित अल्पसंख्यकों को लाने के लिए बनाया गया है और इसका समर्थन हम सबको करना चाहिए।
इस कार्यक्रम के माध्यम से महाविद्यालय की समस्त छात्राओं द्वारा यह प्रण लिया कि सभी लोगों को इस कानून के बारे में जागरूक किया जाएगा और देश में फैल रही भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। आज हम लोग ने विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक भारत माँ का तस्वीर बनाया था, जिसमें कि सारी बहनों ने भारत माँ के तस्वीर के हर देश के किनारे किनारे बहनें खड़ी होकर आज ये साबित की हैं कि हम घुसपैठियों को कभी भी कत्ते भी अंदर नहीं आने देंगे, चाहे उनके लिए हम लोग के लिए कुछ भी करना पड़े। और आज विद्यार्थी परिषद और यहाँ बैढ़न जिले की कन्या कॉलेज की बहनें ये बताई हैं कि CAA को लेकर NRC को लेकर ये समर्थन दे रही हैं और बहुत ही अच्छे से बहनों ने आज अपने हाथों से बनाया है, जिसमें कि ये साबित किया गया है कि विद्यार्थी परिषद की बहनें और सभी यहाँ के सिंगरौली जिले में भैया लोग सब सपोर्ट में है कि CAA को लेकर समर्थन दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व जिला सह संयोजक पूर्णिमा सिंह, जिला छात्र प्रमुख प्रतीक्षा पांडे, वरिष्ठ कार्यकर्ता आनंद पांडे के साथ कन्या महाविद्यालय की समस्त छात्राएं उपस्थित रहीं। इस दौरान पूर्णिमा सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टियां लोगों के बीच भ्रम फैला रही हैं, जो यहां भारत में निवास कर रहा है उनके लिए इस कानून से भय नहीं होना चाहिए, लोग भ्रमित ना हो। मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी गुस्से में कार्यकर्ताओं को धक्का मार देते हैं, पैरों पर पैर मारते हैं। उनका ऐसा एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने ही कार्यकर्ता से बदसलूकी कर रहे हैं। इस घटना के बाद ब्राह्मण नेताओं ने जीतू पटवारी की कड़ी आलोचना की है। कमलनाथ सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी का कार्यकर्ताओं पर नाराजगी का वीडियो वायरल हो रहा है। रीवा में जीतू पटवारी एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे, इसी दौरान उन्होंने रीवा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कमरे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जबरन वहां घुस जाने पर वहां धक्का मुक्की होने लगे। इससे नाराज होकर जीतू पटवारी खुद कार्यकर्ताओं को कमरे से बाहर करने लगे। इस दौरान उन्हें जब खुद धक्का लगा तो वे गुस्से में आ गए और उन्होंने एक कार्यकर्ता को लात और पीठ पर धक्का मारकर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की। इस घटना के बाद रीवा कांग्रेस के ब्राह्मण नेता पटवारी के इस कृत्य से नाराज नजर आए और उन्होंने जीतू पटवारी की आलोचना की है। इस घटना के बाद कई लोगों ने जीतू पटवारी के इस कृत्य की निंदा भी की है। कल रीवा में जिस प्रकार से उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी द्वारा एक ब्राह्मण को लात और घूसों से मार करके रूम से बाहर किया जाता है, यह निश्चित तौर पर निंदनीय है और ब्राह्मण समाज इसकी घोर निंदा करता है। ब्राह्मण को लात मारना यह पाप की श्रेणी में आता है और जीतू पटवारी जी, आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, यह आप कर क्या रहे हैं? आप लोग मदमस्त होकर के हाथी की भांति चलने लगे हैं और आप लोग जिस प्रकार से दम भर रहे हैं, इसकी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज घोर निंदा करता है। और मुख्यमंत्री जी से भी हम सब मांग करते हैं कि इस प्रकार के ऐसे मंत्रियों को आप तत्काल प्रभाव से निष्कासित करें, अन्यथा ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करने में विवश हो जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।